तैयारियों को लेकर जायजा ले रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस पावन समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये महज संयोग नहीं है बल्कि देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा। पिता जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी का भद्राचार्य जी का जन्मोत्सव अमृत महोत्सव हो, उसी अवसर सभी अतिथियों को आ
कोई भी ऐसा कार्य न करे जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप अपने आप को स्थापित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य जी को उनके पावन महोत्सव अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से निवेदन करता हूं, उनके स्वस्थ और जीवन की कामना करता हूं। इन्हें बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं अयोध्या में वो मौजूद हैं, और इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है, 500 साल बाद ये खास मौका आया है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इस दौरे के दौरान संतों के साथ में भी बैठक की है और उनके साथ में जलपान किया, सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त और सख्त हिदायतें दी गई हैं प्रशासनिक टीम को। इसके साथ ही ये भी बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में है प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां और अन्य शहरों से जो आने वाले भक्तजन हैं श्रद्धालु हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं।